शिव धनुष मतलब वो धनुष जिसको सीता माता के स्वयंवर में तोड़ने के बाद श्री राम और सीता माँ का विवाह हुआ, उसका स्वयंवर के बाद क्या हुआ। आज रामनवमी है और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मान्यताओं के मुताबिक श्री राम द्वारा तीन हिस्सों में तोड़े जाने के बाद हर धनुष या शिव धनुष का एक टुकड़ा स्वर्ग में, एक टुकड़ा पाताल में और धनुष का जो तीसरा टुकड़ा पृथ्वी में होना था वो आज के दिन रखा हुआ है नेपाल में जनकपुर के पास धनुष धाम नाम के एक मंदिर में। यहाँ एक छोटा सा कुंड भी है जिसे कहा जाता है कि वो धनुष के वार से उत्पन्न हुआ था। मान्यता है कि जब जब ये कुंड सूख जाता है तब तब नेपाल में विपत्ति आती है, जैसे 2001 में जब वो सूखा तो नेपाल के राज परिवार की हत्या हो गई, या फिर 2015 में जब ये सूखा तब भयानक भूकंप आया था। मुझे सपोर्ट करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।